हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। इसी में बात करें कांग्रेस की, तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा को साइडलाइन करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनावों की ही तरह ही उन्हें विधानसभा चुनावों में भी पार्टी व उसके कामों से दूर किया जा रहा है, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का ही हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये जानते हैं कि उनके बाद अगर कोई हरियाणा की सत्ता संभाल सकता है तो वो कुमारी सैलजा हैं। इसलिए हुड्डा उन्हें रास्ते से हटाने के लिए इस बार भी टिकट बंटवारे में अपने चहीतों को ही चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इस बार कांग्रेस जिन 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें 72 उम्मीदवारों को भूपेंद्र हुड्डा का करीबी बताया जा रहा है। वहीं सैलजा के केवल 9 प्रत्याशी ही कांग्रेस की लिस्ट में जगह बना सके हैं। इसके अलावा सीएम रेस से भी उनका पत्ता इसलिए काटा गया क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सीएम पद पर बिठाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने न सिर्फ सैलजा का पत्ता काटा बल्कि रणदीप सुरजेवाला को भी रास्ते से हटा दिया। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ये सब कांग्रेस हाईकमान की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि खुद सैलजा ने कई बार खुले मंच से हुड्डा द्वारा पार्टी में चल रही गुटबाजी के बारे में उन्हें चेताया, लेकिन उन्हें हर बार अनसुना कर दिया गया, जिससे ये शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल रहा है कि हुड्डा के माध्यम से कांग्रेस आलाकमान अपना हित साधने में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा सैलजा को राजनीतिक तौर पर साफ कर देंगे।